एक आईएस के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर मुसलमानों से खुलेआम भारत में आतंकी हमले की अपील की है। आईएस के प्रवक्ता अबू उमर अल मुजाहिर ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के मुसलमानों से साथ आने की अपील की है। उसने कहा है कि भारत के खिलाफ एक साथ मिलकर हमला करना चाहिए। मुजाहिद ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट का मकसद भारत में इस्लाम की रक्षा करना है, क्योंकि वहां सरकार की तरफ से लगातार इसे निशाना बनाया जा रहा है। मुजाहिद ने कहा कि डर की वजह से मुसलमानों ने अपने मजहब की रक्षा करने का जज्बा खत्म हो गया है। इनके अंदर अब अपने दुश्मनों से भी लड़ने की ताकत नहीं बची। बता दें कि मुजाहिद ने 32 मिनट का यह भाषण अरबी में जारी किया है। मुजाहिद के स्पीच में भारत के मुसलमानों को देश पर हमले के लिए भड़काया जा रहा है। आपको बता दें कि अल मुजाहिद ने आतंकी संगठन की उन यूनिट्स की तारीफ की है जिन्होंने अबूजा, नाइजीरिया और कांगो की जेल में बंद आतंकियों को छुड़ाने के लिए हमले किए थे। इराक और सीरिया में बड़े पैमाने पर इस्लामिक स्टेट के आतंकी जेल में बंद हैं। इनमें कई भारतीय भी हैं। हालांकि मुजाहिद ने अपने भाषण में तालिबान पर भी निशाना साधा है। इस्लामिक स्टेट के खलीफा इब्राहिम आवाद अल बादरी ने भी भारत को दुश्मन देशों की सूची में रखा है। 2016 में संगठन की ओर से एक और वीडियो आया था जिसमें कई भारतीय आतंकियों से घर लौटने और आतंक फैलाने की अपील की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।